हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना एंड वेलकम टू माय चैनल साइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप किस तरह से अपनी डेली वेयर साड़ीज़ को फेस्टिव रेडी कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइलिंग करके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बने रहिए वीडियो के आखिर तक। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। चलिए वीडियो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट लुक के लिए मैंने इस तरह की अपनी बेबी पिंक कलर की फ्लावर प्रिंटेड साड़ी ली है। इसमें मरून कलर के फ्लावर्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और छोटा सा पतला सा बॉर्डर है मरून कलर का ही। तो मैंने इसे मरून कलर की अपने अमेजोन हॉल में आपको दिखाया था। मैंने ब्लाउज़ लिया था मैंने अमेजोन से, तो वो मैंने ब्लाउज़ पहना है। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है पूरा बेबी पिंक कलर और मरून कलर का कॉम्बिनेशन। इसे मैंने बिल्कुल सिंपल वे में ड्रेप किया है साड़ी को, और पर्ल ज्वेलरी के साथ थोड़ा अपना लुक जैजअप करने की कोशिश की है। ये देखिए, इस तरह से मैंने पर्ल ज्वेलरी सारा कुछ पर्ल में पहना है। जुत्तीज़ मैंने पहनी है मैरून और ब्राउन कलर की, जो कि बिल्कुल परफेक्टली जा रही हैं साड़ी के वाइब के साथ। ये इस तरह की साड़ी आप कहीं भी पेयर कर सकते हैं फेस्टिवल टाइम पे, और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगती है। पल्लू मैंने सिंपल ही रखा है, उल्टा पल्ला जैसे हम नॉर्मली लेते हैं, और पर्ल नेकलेस पहना है। इसमें गोल्डन एक पेंडेंट टाइप का है। पर्ल ज्वेलरी की यही खास बात होती है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता गर्मियों में, और फेस्टिवल्स में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इसके बाद मैंने इयररिंग्स भी पर्ल डिटेलिंग वाले ही पहने हैं, और सारा लुक बाउंड करने के लिए हाथ में एक छोटा सा पर्ल कड़ा पहना है इस तरह से, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक दे रहा है पूरे आउटफिट को। बहुत ही ज़्यादा महारानी वाली वाइब आ रही है एक सिंपल साड़ी में। आप देख सकते हैं कि पर्ल ज्वेलरी आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में भी है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगती है। इन फेस्टिवल्स में आप ज़रूर ट्राई कीजिए पर्ल ज्वेलरी। ये सारा कुछ मैंने, जितनी भी पर्ल ज्वेलरी है, ये मैंने लोकल मार्केट से ली है, तो मैं लिंक नहीं दे पाऊँगी आपको। तो फ्रेंड्स, सेकेंड लुक के लिए मैंने इस तरह की तीन कलर की साड़ी चूज़ की है। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी साड़ी लगती है, और इसको मैंने ब्लैक कलर के 3-4 स्लीव्स ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है। इसका गला थोड़ा ऊपर तक नहीं था, मतलब इसका बोट नेक या फिर कुछ नहीं था, डीप नेक था, तो इसलिए मैंने इस तरह का लेयर्ड नेक पीस पेयर किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक दे रहा है। सिंपली ड्रेप किया है इस साड़ी को मैंने, और सिंपल प्लीट, सिंपल पल्ला। पल्लू आप ओपन रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो आप इसको प्लीटेड भी रख सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पे है। इसे मैंने स्टाइल किया है, ये देखिए, इस तरह के लेयर्ड नेक पीस के साथ। ये आप मेरे कई सारे वीडियो में देख चुके होंगे, मैंने बहुत बार इसको स्टाइल किया हुआ डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स के साथ। इस बार मैंने इसे साड़ी के साथ स्टाइल किया है। ब्लैक कलर इसका इसमें है, कुछ ब्रॉन्ज कलर है जो पूरे साड़ी के वाइब के साथ जा रहा है। जो कलर साड़ी में है वही इस नेकलेस में थे। सेकेंडली मैंने इसमें अब झुमकी इयररिंग्स पहने हैं, वो भी ऑक्सीडाइज सिल्वर के हैं। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक दे रहे हैं पूरा ऑल ओवर। और उसके बाद मैंने बालों में साइड पार्टीशन करके, दोनों साइड से ट्विस्ट करके पीछे रोल बना लिया है, तो जिसकी वजह से और भी ज़्यादा लुक निखर के आया है और बहुत ज़्यादा स्मार्ट और सोफेस्टिकेटेड लुक लग रहा है। इस तरह से आप कहीं भी अपनी प्लेन साड़ीज़ को स्टाइल कर सकते हैं और स्टाइलिश लग सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने फिर से प्रिंटेड साड़ी ही चूज़ की है। प्रिंटेड साड़ी में इस बार मैंने क्रीम कलर की अपनी साड़ी ली है, जिस पर रेड कलर के और ब्लैक कलर के ब्यूटीफुल से फ्लावर्स बने हुए हैं। और ये साड़ी वैसे ही बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, बहुत प्यारी लगती है ये साड़ी गर्मियों में पहनी हुई। ये साड़ी भी मैंने 5-6 साल पहले ही अपनी लोकल मार्केट से ही ली थी। उसको मैंने अमेजोन हॉल में दिखाया था, उस ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है। फिर से मैंने ब्लैक कलर का ही ऑक्सीडाइज मैंने इयररिंग्स और ब्लैक कलर का ही ऑक्सीडाइज्ड नेकलेस पहना है। ब्लैक कलर की एक स्टेटमेंट रिंग पहनी है। बाल मैंने वैसे ही साइड पार्टीशन वाले ही रहने दिए, और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक आ रहा है, आप खुद देख सकते हैं। इस तरह से आप ड्रेसअप होके, अगर आप जैसे दिवाली पार्टी में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, फेस्टिवल्स के टाइम पे हज़ारों जगह पे आना जाना पड़ता है, तो आप अपनी प्लेन साड़ीज़ को इस तरह स्टाइल करके एकदम हॉट एंड हैपनिंग लग सकते हैं, और कहीं भी फ्लॉन्ट कर सकते हैं अपना स्टाइल। ये देखिए, क्लोज़र लुक में आपको दिखाती हूँ मैं ज्वेलरी। ये मैंने क्लब फैक्ट्री से ली थी बहुत पहले, और ये मैंने कई बार पहनी भी हुई है, आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में देखी होगी। उसके बाद मैंने ये मल्टी लेयर झुमकीज़ ऑक्सीडाइज सिल्वर में जो है उसे स्टाइल किया है।
साइड पार्टीशन ही है बालों में, वही पहले लुक वाला ही, और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक दे रहा है। आप अपने इस तरह की प्लेन और बोरिंग सी साड़ीज़ को नए वे में स्टाइल करके और आप अच्छे दिख सकते हैं। बहुत सारी साड़ीज़ आपकी भी कबर्ड में पड़ी होंगी, उनको निकालिए और नए तरीके से स्टाइल कीजिए। ये देखिए एक और साड़ी है, ये भी प्रिंटेड साड़ी ही है, ऊपर से प्लेन है नीचे से प्रिंट है। इसको मैंने सेम ब्लाउज़ के साथ ही पेयर किया है जो पहले लुक में था उसी ब्लाउज़ के साथ, और इसकी इसको स्टाइल करने के लिए मैंने साइड पार्टीशन में जूड़ा बना लिया है और नेकलेस ऑक्सीडेंस नेकलेस इस बार मैंने थोड़ा सा हैवी लिया है क्योंकि साड़ी काफ़ी ज़्यादा प्लेन लग रही थी ऊपर से, तो मैंने लॉन्ग नेकलेस पहनने की बजाय मैंने चोकर प्रेफर किया है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल लुक है, चोकर काफ़ी ज़्यादा ये घुंघरू वाला चोकर है, काफ़ी बार आप देख चुके हैं मेरे काफ़ी वीडियोज़ में। उसके बाद मैंने इसे सिंपली स्टाइल किया है चोकर के साथ और ब्लू कलर की ही दो बैंगल्स कड़े जो होते हैं वो पहन लिए हैं, एडजस्टेबल कड़े हैं ये, और इयररिंग्स में मैंने ओवर साइज स्टड्स पहने हैं जो परफेक्टली जा रहे हैं पूरे साड़ी की वाइब के साथ। ब्लू कलर का ज्वेलरी भी इसलिए पहनी है ताकि अच्छा लगे। ये देखिए मैं क्लोज़र लुक दिखा देती हूँ आपको, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है ओवर साइज स्टड्स और इस चोकर के साथ पूरी साड़ी का एक जो बोरिंग सा और एक जो प्लेन सिंपल सा जो एलिमेंट था वो एकदम जैज़अप होकर फेस्टिव रेडी हो गया है। इस तरह से आप फेस्टिवल्स में अपनी बोरिंग सी साड़ी को स्टाइल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक आता है जब भी आप इस तरह से अपनी साड़ीज़ को स्टाइल करते हैं। फुटवेयर में मैंने जूतीज़ ही पहनी है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी पहन सकते हैं। इसमें नेक्स्ट स्टाइल मैंने ये दिया है कि चोकर और स्टड्स निकालकर मैंने हैवी ज्वेलरी पेयर कर ली है। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़े से इयररिंग्स पहने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है जैसे ये कोई प्लेन और बोरिंग सी सिंपल सी घर में पहनने वाली साड़ी को मैंने इसे स्टाइल किया है। बहुत ही ज़्यादा फेस्टिव वाइब आ रहा है, बहुत प्रिटी लग रहा है। ये भी मैंने आपको अपने जवेरी पर्ल्स वाले अजियो हॉल में दिखाए थे, ये देखिए पूरा लुक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बन गया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इन फेस्टिव सीजन्स में आप भी अपनी कबर्ड में से पुरानी साड़ियाँ निकालिए और उन्हें नए तरीके से स्टाइल कीजिए, और आप किस तरह से स्टाइल करेंगे, इनमें से आपको कौन सा लुक सबसे अच्छा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, और किस तरह से स्टाइल करेंगे ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।